इसके बगैर हम सोच भी नहीं सकते हमारा जो कुछ भी होगा देश के लिए, कोई जाति, कोई मत, कोई मजहब, कोई क्षेत्र, कोई भाषा देश से बढ़कर के नहीं हो सकती है। पहले देश है फिर हम हैं। तो हमारा मत मजहब संप्रदाय क्षेत्र भाषा सब है, देश सुरक्षित है तो सब सुरक्षित है, और देश ही सुरक्षित नहीं है तो फिर कोई सुरक्षित कैसे हो सकता है। और इसलिए देश के लिए पूर्ण समर्पण, राष्ट्रीय एकता अखंडता के सामने आने वाली चुनौती के लिए हम सबको मिलकर के सामूहिक रूप से प्रयास करना होगा। आप देख रहे होंगे किस किस प्रकार के उपाय फैलाई जा रही है, कैसे कैसे खड़े हो रहे हैं, कैसे कैसे गुमराह करने वाली बातें हो रही हैं, जिन्होंने सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया, व्याज नकाब पहन करके फिर से गुमराह करने की मुद्रा में आ गए। जो लोग सामाजिक न्याय के लिए समर्पित महापुरुषों का अपमानित करते थे, आज वोट के लिए वे उनकी आरती उतारते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन नजारों को देखो इन लोगों के, आखिर यही समाजवादी पार्टी है, कौन नहीं जानता इनके चेहरे को, आखिर यही कांग्रेस है जिसने देश के अंदर सर्वाधिक समय तक शासन किया, और इनके कारनामों से कौन नहीं जानता है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सर्वाधिक अपमान इन्होंने किया, लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपमान इन्होंने किया, इन महापुरुषों को भारत रत्न नहीं मिलने पाए, इसके लिए यही चोटी लगाई, ऐसे लगता था जैसे भारत रत्न पर एक परिवार का एकाधिकार हो गया हो, उसी परिवार के सारे लोगों को मिलना चाहिए, बाकी किसी और को नहीं मिलना चाहिए। बहनों और भाइयों, जब भी इनको मौका मिला, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इतफाकती धर्म पेश दलों को जब भी इनको मौका मिला, उन्होंने देश की कीमत पर राजनीति की है। यही अंतर है, ये देश की कीमत पर राजनीति करते हैं, हम लोग देश के लिए राजनीति करते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।